वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सन 1739 में ईरानी हमलावर नादिर शाह भारत पर हमला करता है। उस समय दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। ईरानी हमलावर नादिर शाह अपने साथ बहुत बड़ी फौज लेकर के भारत पर आता है और भारत पर आक्रमण कर देता है। उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद शाह रंगीला बहुत डर गया था। उसने नादिर शाह से कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा राज ले लो। नादिर शाह ने कहा, मैं तो राज करने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं लूट मार करने के लिए भारत पर आया हूँ। मुझे पैसे चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए। मोहम्मद शाह रंगीला डर के मारे अपना सारा खजाना खोल देता है। नादिर शाह उस समय भारत से 90 करोड़ रुपए लूट करके लेके जाता है। नादिर शाह इतना बड़ा जालिम था, उसने 20,000 आदमियों का कत्ल कर दिया था और अपने साथ 10,000 औरतों और बच्चों को लेकर के ईरान जा रहा था। नादिर शाह जब भारत को लूट करके पंजाब की धरती पर पहुंचता है, उस समय गुरु के सिंह जंगलों में रहते हैं। जब गुरु के सिंहों को पता चला कि नादिर शाह भारत को लूट करके और भारत की बहु बेटियों को लेकर के ईरान जा रहा है, तब उन्होंने नादिर शाह के कैंपों में हमला कर दिया और नादिर शाह का लूटा हुआ सारा सामान लूट लिया और बहु बेटियों को नादिर शाह के चंगुल से छुड़ा लिया। नादिर शाह बहुत हैरान हुआ, वह बोला, मैं पूरे भारत को लूटा, किसी में हिम्मत नहीं थी मेरे सामने सर उठाने की। एक कौन लोग हैं जो छुट्टियों में मेरा लूटा हुआ सामान लूट के लेके गए? एक कौन लोग हैं जो नादिर शाह से नहीं डरे? फिर नादिर शाह जकरिया खान से मिलता है, क्योंकि जकरिया खान के सर पर नादिर शाह का हाथ होता है। नादिर शाह कहता है जकरिया खान से, एक कौन लोग थे जो मेरा सामान लूट करके लेके गए? जकरिया खान कहता है, ये सिंह थे। नादिर शाह कहता है, इनके घरों में आग लगा दे। जकरिया खान कहता है, इनके पास घर नहीं है, जंगलों में रहते हैं। नादिर शाह यह बात सुनकर के बहुत हैरान होता है, पूछता है, ये खाते क्या है जंगलों में? जकरिया खान कहता है, सरकार ये पेड़ों के पत्ते खा करके अपना गुजारा करते हैं। कभी कभी लंगर बनाते हैं तो नगाड़ा बजा करके आवाज देते हैं कि लंगर तैयार हो गया है, किसी को लंगर छकना है तो आ जाए। नादिर शाह कहता है, ये अपने दुश्मनों को भी लंगर खिलाते हैं। जकरिया कहता है, सरकार कोई भी चला जाए सबको ये लंगर छकाते हैं। नादिर शाह पूछता है, इनका गुरु कौन है? जकरिया कहता है, सरकार एक गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानते हैं। नादिर शाह पूछता है, ऐसी हिम्मत इनमें कौन भर के गया? फिर जकरिया का गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बारे में बताता है। फिर नादिर शाह कहता है, ये जंगलों तक सीमित नहीं रहेंगे, एक दिन राज करेंगे राज। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, कुछ कर लो, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ और नहीं बचेगा। जकरिया खान नादिर शाह की बातों को सुन करके हैरान हो गया कि इतना बड़ा बादशाह और सिखों के बारे में ऐसा कह गया। उसके बाद जकरिया खान और जालिम हो जाता है। उसका पहला टारगेट दरबार साहब होता है। उसने 1740 ईस्वी में मासारंगड़ को दरबार साहब में भेजता है। मासारंगड़ दरबार साहब पहुंचकर दरबार साहब की बहुत बेइज्जती करता है। वह सबसे पहले सरोवर को मिट्टी से भरवा देता है, दरबार साहब में शराब की दुकान खुलवा देता है और दरबार साहब में मुजरे करवाना शुरू कर देता है। मासारंगड़ दरबार साहब की बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र दरबार साहब, मासारंगड़ उसकी कितनी बेअदबी करता है। जब एक खबर बीकानेर के जंगलों में बैठे सिखों को पहुंचती है कि मासारंगड़ दरबार साहब की बहुत बेअदबी कर रहा है, भाई मेहताब सिंह और भाई सुखा सिंह का खून खौल जाता है कि मासारंगड़ दरबार साहब की बेअदबी कर रहा है और मासारंगड़ दरबार साहब में शराबे खोल रखी है और मुजरे भी करा रहा है। फिर भाई मेहताब सिंह और भाई सुखा सिंह लंबरदारों का भेष बना करके दरबार साहब में जाते हैं और एक बोरी साथ में ले जाते हैं और कहते हैं, मामला देने आए हैं। मासारंगड़ लालची बंदा जब वह पैसे की बोरी देखने के लिए अपना सर झुकाता है तो भाई मेहताब सिंह कृपाण निकाल करके उसके गर्दन पर वार करते हैं। उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और खून फुहारे की तरह बहने लगता है। फिर उसका सिर नेजे में टांग कर भाई सुखा सिंह और भाई मेहताब सिंह बीकानेर चले जाते हैं। उसके बाद भी जकरिया खान का जुर्म सिखों के प्रति कम नहीं होता है और भी बढ़ने लगता है। टाइम आता 1745 ईस्वी में, एक आम किसान जिनका नाम था भाई तारू सिंह, जो सिख जंगलों में रहते हैं उनके खाने पीने की वह मदद करते थे। उसके बाद जकरिया खान भाई तारू सिंह को पकड़ करके लाहौर के नखास चौक में लेकर के जाता है। जकरिया खान भाई तारू सिंह से कहता है, अपनी केस कत्ल कर दो। भाई तारू सिंह केस कत्ल करने से साफ मना कर देते हैं। जकरिया खान का यह बात सुनकर के खून खौल जाता है। जकरिया खान कहता है, जिस केस पर तू मान करता है जूतियां मार मार करके उस केस को झाड़ दूंगा। काजी कहता है, अगर एक केस कत्ल नहीं कर रहा है तो उसकी खोपड़ी उतार दो। जकरिया खान काजी की बात मान लेता है और ऑर्डर करता है कि भाई तारू सिंह की खोपड़ी उतार दो। जल्लादों ने भाई तारू सिंह की खोपड़ी रफे के साथ उतारना शुरू कर दिया। भाई तारू सिंह का जो शरीर है खून से लाल हो जाता है। मुगलों ने भाई तारू सिंह की खोपड़ी हाथ में पकड़ रखा था। सिखी के लिए भाई तारू सिंह अपनी खोपड़ी उतरवा देते हैं पर जकरिया खां के सामने झुकते नहीं है। खोपड़ी उतरवाने वाले दिन से ही जकरिया खां के पेशाब में बंद पड़ जाता है। वह बीमार होना
करना शुरू हो जाता है। उसने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक फकीर ने जकरिया खां से बोला, तू निर्दोष पर बहुत अत्याचार किया, उसे माफी मांग ले, तू ठीक हो जाएगा। एक टाइम वो था जब जकरिया खां सिखों को जड़ से खत्म करना चाहता था और एक टाइम ये है जब अहंकारी जकरिया खां अपनी जान की भीख मांग रहा है। उसके बाद अहंकारी जकरिया खां भाई तारू सिंह के पास जाता है और माफी मांगता है। भाई तारू सिंह कहते हैं, माफ करने वाला मैं कौन हूँ, तू खालसे का गुनहगार है, उनसे जाके माफी मांग। फिर जकरिया खां अपनी जान बचाने के लिए गुरु के खालसों के पास जाता है। एक गुरु के खालसे जोश से उठते हैं और बोलते हैं, तू भाई तारू सिंह की जूती अपने सर पे मारा कर, तेरा पेशाब का बंद ठीक हो जाएगा। जकरिया खां बीमारी से इतना परेशान हो गया था, उसको कुछ इलाज नहीं मिल रहा था। जकरिया खां अपनी बीमारी से इतना परेशान हो गया था कि वह भाई तारू सिंह की जूती सर पर मारने को तैयार हो गया था। उसके बाद भाई तारू सिंह की जूती जकरिया खां के सर पर रोज मारा जाता था और उसके पेशाब का बंद थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। आप खुद सोचो, जकरिया खां कहता था, भाई तारू सिंह की जूती मार मार कर तेरे सर का बाल झाड़ दूंगा। आज वह बंदा खुद भाई तारू सिंह की जूती अपने सर पर मार रहा है। भाई तारू सिंह की जूती जकरिया खां के सर पर रोज मारा जाता था। भाई तारू सिंह की जूती खा करके एक दिन जकरिया खां मर जाता है। सिखों को बेघर करने वाला, सिखों पर जुर्म करने वाला आज खुद दुनिया से चला गया। तो साथ संगत जी, अगर इतिहास कहते कुछ गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।